हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय। इस टॉपिक को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में शामिल करते हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पहले पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेट्स थे, कहाँ कहाँ थे, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसा कि आपको पता है, यूरोपियंस इंडिया में आए और आने के बाद सबसे पहले उन्होंने उनमें आपस में राइवलरी हुई, फिर इस राइवलरी में अल्टीमेटली कौन जीता? ब्रिटिशर्स जीते। और फिर ब्रिटिशर्स अपने जितने राइवल्स थे उनको हराने के बाद भारत को जीतने के लिए निकले, और इस कोशिश में उनको भारत के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो रीजनल स्टेट्स थे उनसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, और उनको ओवरकम करने के बाद ही भारत में वो अपने साम्राज्य को इस्टेब्लिश कर पाए, राइट? तो वो कौन कौन से स्टेट्स थे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हिस्ट्री में जो घटनाएं होती हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, राइट? अगर हम सीधा कमिंग ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करते तो मे बी कि आपको एक प्रॉब्लम हो सकती थी, तो एक बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो इसीलिए इस टॉपिक को पहले समझिए, उसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत के एक एक राज्य को हराया और भारत पे अपने साम्राज्य की स्थापना करने में वे सफल रहे, राइट? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा, मिडिवल हिस्ट्री में लेकर चलूंगा, ताकि एक लिंक हम लोग क्रिएट कर पाए। देखिए, मिडिवल में बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं, पर आपने मुगल पीरियड पढ़ा होगा जिसकी शुरुआत होती है 1526 से, और 1526 से लेकर 1707 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम महान मुगल साम्राज्य कहते हैं, राइट? जब भी द ग्रेट मुगल एम्पायर की बात की जाती है तो उसमें इसी टाइम ड्यूरेशन को रखा जाता है, यानी कि बाबर से लेकर और औरंगजेब। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन से युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी और वो लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी। तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है उसके बाद मुगलों का डिक्लाइन स्टार्ट होता है, राइट? तो वो एक अलग टॉपिक बनता है जिसको हम लेटर मुगल्स कहते हैं, यानी उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। अब जो ये लेटर मुगल्स थे ये उतने पावरफुल नहीं थे, इसीलिए इसको एक अलग टॉपिक के रूप में कैटेगराइज किया गया है, राइट? तो अब ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप, मेरा ये सजेशन है कि कुछ आप एक हल्का सा ब्रीफ इसकी स्टडी कर लीजिएगा, लेकिन कुछ घटनाएं इस लेटर मुगल पीरियड में ऐसी हुई जिनको आपको पढ़ लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, और फिर उसके बाद 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। तो इन इन्वेजन्स के दौरान कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, ये इन्वेजन्स कौन से रूलर के टाइम पर हुए, और इन इन्वेजन्स का, इन आक्रमणों का सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन हिस्ट्री के लिए, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड बिसाइड्स दैट, कुछ जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहे हैं लेटर मुगल्स में, है ना, उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे एक आपने रूलर पढ़ा होगा मोहम्मद शाह रंगीला, राइट? तो रंगीला क्यों उसको कहा गया, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ ले जाते कि रोशन अख्तर किसका रियल नेम था, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, जिससे कि अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए, राइट? चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 18th सेंचुरी में, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जितने मुगल रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, या पावरफुल ना भी कहें तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, राइट? तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे रीजनल स्टेट्स का अराइज होता है, इमरजेंस होता है। और ये रीजनल स्टेट्स जो थे, इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्टेट्स थे जैसे कि हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, फिर मैसूर हो गया, राइट? फिर जाटों का उदय हुआ। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों का उदय हुआ। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट राज्य थे जिनका एमरजेंस होता है 18th सेंचुरी में, व्हेन द मुगल एम्पायर वॉज इन द फेज ऑफ डिक्लाइन, राइट? अब इन स्टेट्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन स्टेट्स ने कभी भी मुगल अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज नहीं दिया, कभी भी उनको सीधे चुनौती नहीं दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि इन्होंने अपने जो रिलेशन थे मुगल अथॉरिटी के साथ या सेंटर के साथ, उसको मेंटेन रखा, राइट? हालांकि ये स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मुगल इंस्टीट्यूशंस थे, जो मुगल ट्रेडिशंस थी, वो एज इट इज़ कॉन्टिन्यू रही इन स्टेट्स। उदाहरण के लिए, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था 1739 में,
मुगलों की हेल्प किसने की थी? मुगलों की हेल्प के लिए आए थे अवध और हैदराबाद। तो ये दिस इज जस्ट बिकॉज कि ये जो स्टेट्स थे इन्होंने कभी भी फॉर्मली अपने रिश्तों को मुगल साम्राज्य से तोड़ा नहीं, राइट। हालांकि प्रैक्टिकली ये लोग स्वतंत्र राज्य के रूप में थे, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल जो एक औपचारिकता थी, एक फॉर्मेलिटी जो थी मुगल साम्राज्य के साथ, उसको इन्होंने कभी भी नहीं तोड़ा। ये एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इन राज्यों ने अपने रिलेशन को मेंटेन रखा और बहुत सारे मुगल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी मुगल ट्रेडिशंस इन राज्यों में एज इट इज़ जारी रहीं। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि इन राज्यों का जब उदय हुआ 18वीं शताब्दी में, उससे बेसिकली क्या हुआ, जो पॉलिटी थी उसको, उसका कोलैप्स नहीं हुआ, उसकी समाप्ति नहीं हुई, बल्कि इससे क्या हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पावर का सेंटर से, अब वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है, छोटे छोटे स्टेट्स पर बढ़ जाती है। इससे पहले क्या था, एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, सारे कमांड वहीं से आती थी, है ना, और उसी का कंट्रोल था सभी स्टेट्स पर। बट अब क्या है, अपने अपने एरिया में हर स्टेट अपने तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा है। हालांकि पॉलिटिकल सिस्टम ऑलमोस्ट सेम रहा जैसा कि पहले था, बट अब जो ऑल इंडिया पॉलिटी थी वो कहीं ना कहीं उसका कोलैप्स हमें दिखाई देता है। लेकिन कोलैप्स का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन आप समझ रहे हैं ना, इस सेंस में कि अब सेंटर जो है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रह गया, अब पावर डिसेंट्रलाइज हो जाती है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी इन स्टेट्स के बारे में। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब जो है एक तरह से राजनीतिक अराजकता की स्थिति हो गई है और कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना होने की वजह से जगह जगह अनार्की है या एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। देर वॉज नथिंग लाइक दैट, पॉलिटिकल वैक्यूम तो बिल्कुल था ही नहीं, रादर इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। अब पॉलिटिकल पावर केवल मुगलों के हाथ में नहीं रही, बल्कि उसका डिवीजन हो जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट। तो ये बात आप समझ के रखिए। अब देखिए, ये जो रीजनल स्टेट्स थे इनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो पहली कैटेगरी है, दैट इज द सक्सेसर स्टेट्स और द स्टेट्स फॉर्म्ड बाय फॉर्मर मुगल नोबल्स, यानी कि उत्तराधिकारी राज्य या ऐसे राज्य जिनकी स्थापना जो मुगलों का कुलीन वर्ग था, जिसको हम अमीर वर्ग भी कहते हैं, उसके द्वारा की गई थी, राइट। तो ऐसे स्टेट को हमने नाम दिया उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य हमने इसलिए किया क्योंकि ये उत्तराधिकारी बने किसके, मुगलों के, राइट। इन्होंने मुगलों को रिप्लेस किया, मुगलों की जगह ली, इसलिए इनको हमने द सक्सेसर स्टेट्स का नाम दिया। अब इसमें जो स्टेट शामिल थे, देवर बंगाल, अवध, हैदराबाद एंड कर्नाटक। तो ये चार राज्य जो हैं वो उत्तराधिकार राज्यों की श्रेणी में आते हैं, राइट। इनके जो फाउंडर्स थे, इनके जो संस्थापक थे, वो या तो कभी ना कभी मुगल जो सूबे थे, जो प्रोविंसेस थे, उनके गवर्नर रहे थे, या जो मुगल नोबिलिटी थी, जो मुगल कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग या अमीर वर्ग, जितनी ब्यूरोक्रेसी थी मुगल पीरियड में, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ना अमीर वर्ग, तो ये मुगल अमीर वर्ग से संबंधित थे, या ये कभी ना कभी किसी न किसी समय पर मुगल प्रांतों के गवर्नर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है या मुगलों में अब कोई शक्तिशाली शासक बचा नहीं है, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाकर अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो ये कहलाते थे सक्सेसर राज्य, जिसको हमने पहली कैटेगरी में रखा। अब इनके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि हमने पहले देखा था, दे हैड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल रूल, येट दे नेवर ब्रोक फॉर्मल टाइज फ्रॉम द मुगल स्टेट, कि हालांकि इन्होंने मुगलों से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन इन्होंने कभी भी मुगलों से औपचारिक संबंधों को खत्म नहीं किया, वो जो फॉर्मेलिटी थी वो अभी भी मेंटेन रही, राइट। अब इन दीज स्टेट्स मैनी रिफॉर्म्स वर टेकन इन द फील्ड ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट। तो अब इन स्टेट्स में कुछ रूलर्स ऐसे हुए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और ख़ास तौर से उन्होंने रिवेन्यू फील्ड में, राजस्व के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, और जो जमींदारी सिस्टम जो मुगल पीरियड से चली आ रही है उसमें भी कुछ नए इनोवेशन किए, उसमें भी काफ़ी हद तक इन्होंने सुधार किया। अब देखिए, रिवेन्यू की बात हमने इसलिए की है कि नए स्टेट्स बन गए, और स्टेट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि उस स्टेट में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, या हम ये कह सकते हैं कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बहुत अच्छा होगा। और एक अच्छा प्रशासन, अच्छे प्रशासन के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे अधिकारी वर्ग होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ रिवेन्यू।
अगर राजस्व नहीं होगा तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करेंगे। तो यही कारण है कि ये जो स्टेट्स थे यहाँ पर रिवेन्यू असेसमेंट पे और उसके कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और बहुत स्ट्रिक्टली रिवेन्यू कलेक्शन किया गया, राइट। अब स्ट्रिक्टली किया गया, इसका एक रिजल्ट रहा, उसका रिजल्ट ये रहा कि जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था वो जमींदारों से होता था, और चूंकि मैंने कहा कि बहुत स्ट्रिक्टली होता था तो कई बार ऐसा होता था कि जमींदार अपना रिवेन्यू टाइमली पे नहीं कर पाते थे, लेकिन उनके लिए बाइंडिंग था, अदरवाइज उनकी जमींदारी छीन कर किसी और को दे दी जाती। तो उस अपने बाइंडिंग को पूरा करने के लिए, अपनी मजबूरी को पूरा करने के लिए कि उन्हें टैक्स देना ही देना है, उन्होंने पैसा उधार लेना शुरू कर दिया। अब पैसा किससे उधार लेंगे, जिसके पास पैसा उसी से उधार लिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, एक नया क्लास निकल कर आया, एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसके पास काफ़ी पैसा था, और जमींदार उनके पास पैसा लेने के लिए चले गए, और ये जो नया वर्ग था इसको हम बैंकर्स या मनी लेंडर्स या महाजन कह सकते हैं, राइट। तो महाजनों का उदय हुआ, सूदखोरों का उदय हुआ, जो ब्याज पर पैसा देते थे और जिससे कि जमींदार जो है वो टाइमली अपने रिवेन्यू को पे कर पाए, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इन स्टेट्स के बारे में, राइट, कि रिवेन्यू कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, और उस रिवेन्यू कलेक्शन की वजह से कुछ ऐसे कारण हुए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसको हम महाजन कह सकते। अब क्या हुआ, इन महाजनों के पास, इन बैंकर्स के पास बहुत सारा पैसा था, इसलिए ना केवल राज्य बल्कि जो भूमिपति वर्ग जिसको हमने जमींदार कहा, वो दोनों किस पर डिपेंड हो गए, अब इन महाजनों पर हो गए। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे ये पावरफुल होते चले जाएंगे, इनकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, और इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि ये स्टेट पॉलिसीज़ को, राज्य की नीतियों को और राज्य के प्रशासन को भी प्रभावित करने लगेंगे, राइट। जिन लोगों ने थोड़ा पढ़ा है उनको पता होगा, या हम आगे चलकर पढ़ेंगे जब हम बंगाल पढ़ेंगे, और बंगाल में प्लासी की लड़ाई हुई थी, उस प्लासी की लड़ाई में जो मेन कॉन्स्पायर्स थे उसमें कुछ महाजनों, कुछ सूदखोरों के नाम भी आते हैं, जैसे जगत सेठ, अमीर चंद। तो ये वही लोग थे जिन्होंने अपने पैसे के बल पर धीरे धीरे अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बना लिया कि वो राज्य की नीतियों को भी प्रभावित करने लगे, राइट। तो ये इन स्टेट्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब इससे एक नई चीज़ और हुई, इससे एक नई चीज़ ये हुई, एक नई प्रणाली का विकास हुआ जिसको हम इजारादारी सिस्टम कहते हैं या इजारेदारी प्रथा कहते हैं। अब इसमें होता क्या था कि जो रिवेन्यू कलेक्शन का काम था, अगर ज़मींदार अपना रिवेन्यू टाइम पे नहीं दे पा रहा है तो स्टेट क्या करेगा, उसको तो रिवेन्यू चाहिए चाहिए, वो इसका एक अल्टरनेट ढूंढेगा, और वो अल्टरनेट निकल कर आया इजारादारी सिस्टम के रूप में, इजारेदारी प्रणाली के रूप में। इस सिस्टम में होता क्या था कि जो टैक्स कलेक्शन होता था उसकी नीलामी होती थी, उसका ऑक्शन होता था, और नीलामी में आप लोग जानते हैं क्या होता है, बोली लगती है, बिडिंग होती है, राइट। तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको जो है नीलामी उसके नाम कर दी जाती है। तो इस इजारदारी सिस्टम में यही हुआ, राजस्व को ठेके पर दिया जाने लगा, यानी कि जो राजस्व वसूली का काम था उसको अब नीलामी के रूप में जो हाईएस्ट बिडर होते थे, जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई होती थी, उसको ये काम दे दिया गया, राइट। अब जिसने ये काम दिया उसको ना उस वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इजारेदार, राइट। तो ये दो टर्म ज़रूर याद रखिएगा, इजारेदारी प्रणाली क्या थी और इजारदार से क्या मतलब है। बेसिकली ये कौन थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ये ठेकेदार थे जिन्होंने राजस्व वसूली का ठेका ले लिया था। अब ये कौन लोग होंगे, ये लोग वही होंगे जिनके पास ऑलरेडी पैसा होगा और जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, ताकि कभी अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि रिवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है फिर भी ये स्टेट को अपना जो कमिटमेंट है वो पूरा कर पाए, राइट। अब इससे क्या हुआ, राज्य को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, राज्य को फायदा हुआ कि उसकी जो इनकम थी वो फिक्स हो गई, उसको ये एश्योरेंस मिल गया कि अब कुछ भी हो जाए हमें हमारा रिवेन्यू मिल ही जाएगा, राइट। तो इन ठेकेदारों ने कहा कि यू डोंट वरी, यू मस्ट बी अश्योर्ड, आपका पैसा हम पे करेंगे, चाहे रिवेन्यू हमें कम मिले या ज़्यादा मिले, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड इजारादारी सिस्टम, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, इजारादारी प्रणाली क्या थी। हम आगे चलकर देखेंगे कि किसका इस प्रणाली को विकास करने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा, राइट। अब हम आगे चलते हैं, सेकेंड कैटेगरी में जो हमने स्टेट रखे हैं उनको हम कह सकते हैं द न्यू स्टेट्स और द रिबेलियस स्टेट्स, यानी नए राज्य अथवा विद्रोही राज्य। अब इस कैटेगरी में ऐसे राज्य शामिल थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को देखते हुए उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली, राइट। जैसे कि मराठास हो गए, है ना, इधर महाराष्ट्र के एरिया में, फिर नॉर्थ वेस्ट में सिख हो गए, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में जाट हो गए,
और फिर अफगान्स हो गए। तो ये जो थे ये नए राज्य थे, ये लोकल जमींदार, ये लोकल चीफ्स थे, छोटे छोटे सरदार थे जिन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि अब हमको रोकने वाला कोई नहीं है, अब हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और इन्होंने अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना अलग अलग क्षेत्र में कर ली। राइट, अब इन ये जो मैंने आपको चार स्टेट्स बताए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आएंगे मराठास। राइट, मराठों ने ना केवल मुगलों को बल्कि अंग्रेजों को बहुत ज्यादा परेशान किया। राइट, जैसे हमने मुगल में पढ़ा होगा, औरंगजेब ने काफी समय तक मराठों से लड़ाई लड़ी लेकिन वो उनको कभी भी फाइनली हरा नहीं पाया। इसी तरीके से अंग्रेजों को एक जो महत्वपूर्ण चुनौती दी थी वो मराठों के द्वारा दी गई थी। राइट, बेसिकली मराठे ये सपना देखा करते थे कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उसकी जगह वो लेंगे। राइट, वो एक हिंदू साम्राज्य की एक एक संकल्पना लेकर चल रहे थे, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए लेकिन वो अपने आप को मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में जरूर देखते थे। तो अगर यूरोपियंस नहीं आए होते, अंग्रेज नहीं आए होते, तो संभवतः हम ये कह सकते हैं कि भारत में मराठों ने मुगलों की जगह ली होती और एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की होती। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया और मराठों को फाइनली हार का सामना करना पड़ा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि मराठों को फाइनली किसने हराया था और जिस हार के बाद मराठों का जो ये सपना था एक हिंदू साम्राज्य का, साम्राज्य की स्थापना का, वो एकदम चूर चूर हो गया था। राइट, तो ये आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। राइट, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने फर्स्ट कैटेगरी की स्टेट्स देखे और सेकंड कैटेगरी के देखे, अब देखते हैं थर्ड कैटेगरी में कौन से स्टेट्स हैं। तो जो थर्ड कैटेगरी में रखे जाते हैं वो उनको हम कहते हैं द इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि स्वतंत्र राज्य। इसमें तीन राज्यों को हमने शामिल किया, एक तो मैसूर जो कि साउथ इंडिया में होगा, दूसरा है राजपूत और तीसरा है केरला। राइट, बेसिकली इस श्रेणी में ऐसे राज्य थे जो केवल नाम मात्र के लिए मुगल अथॉरिटी को मानते थे। राइट, लेकिन इन राज्यों ने भी जब देखा कि 18वीं शताब्दी तक आते आते मुगल साम्राज्य काफी कमजोर पड़ गया है तो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। राइट, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मराठों ने बहुत ज्यादा परेशान किया अंग्रेजों को, उसी तरीके से मैसूर राज्य में दो व्यक्ति ऐसे हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान, जो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की और अंग्रेजों को इनको हराने के लिए भी बहुत परेशानी का सामना करना। तो ये तीनों तरह के स्टेट्स हमने पढ़ लिए जो मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद उदय हुए थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं और एक एक करके इन स्टेट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम द सक्सेसर स्टेट्स पे आते हैं, यानी उत्तराधिकारी राज्य पे। राइट, तो जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्मल जो टाई थी मुगल साम्राज्य के साथ वो इन स्टेट्स ने कभी नहीं छोड़ी, और जो मुगल साम्राज्य का जो एक कह सकते हैं जो परिकल्पना थी, एक दिखावा था, वो मेंटेन रखा किसी ना किसी तरीके से। वो कैसे मेंटेन होगा, वो तीन तरीके से मेंटेन होता था बेसिकली। पहला ये कि ये लोग एनुअली रिवेन्यू भेजा करते थे सेंट्रल ट्रेजरी के लिए, यानी कि जो मुगल राजकोष था उसमें ये वार्षिक रूप से कर भेजा करते थे, जो राजस्व वसूली होती थी उसका कुछ हिस्सा ये लोग वहाँ भेजा करते थे, तो ये मेंटेन रहा, है ना। दूसरा, जो जितने भी हाई ऑफिसेज होते थे प्रोविंसेस में उसमें जो अपॉइंटमेंट होते थे, राइट, उनके लिए मुगल साम्राज्य की परमिशन बहुत पहले से ली जाती रही थी, वो अभी भी इन्होंने मेंटेन रखी। हालांकि केवल ये फॉर्मेलिटी थी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तक इसको मेंटेन रखा गया कि फाइनल कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा, मुगल एम्परर से मिलेगा। और थर्ड जो था वो था कि जितना जो पुरस्कार दिए जाते थे, जो उपाधियां दी जाती थी, वो पहले मुगल बादशाह के नाम पर दी जाती थी, वो आज भी मुगल बादशाह के नाम पर ही दी जाती रही। तो ये तीन तरीके थे जिससे मुगल साम्राज्य के साथ एक फॉर्मल जो कनेक्शन था वो मेंटेन रखा गया। क्लियर। अब सक्सेसर स्टेट में हम अगर एक एक करके देखें तो सबसे पहले हम बंगाल पर आते हैं। अब देखिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट था, है ना। अब बंगाल जो था, आज का जो बंगाल है केवल वही नहीं था, उस वक्त के बंगाल में एक बहुत बड़ा एरिया कवर होता था। हम ये कह सकते हैं कि आज का पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन सब को मिलाकर बंगाल बना करता था। और इसमें बहुत सारा कोस्टल एरिया आ जाता है इसलिए वहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छा होता था। और बंगाल जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट था इंडिया का। राइट, जब हम आगे आगे पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में तब तो हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने अपनी जीत की शुरुआत बेसिकली बंगाल से ही की, और जब उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया, बंगाल पर अधिकार कर लिया, फिर उसी के कारण वो पूरे देश को जीत पाए। कारण क्या था, क्योंकि बंगाल इतना बड़ा प्रांत था और उस प्रांत का जो रिवेन्यू था वो बहुत बड़ी मात्रा में होता था। राइट, और उस राजस्व की वजह से अंग्रेज एक बहुत बड़ी सेना को मेंटेन कर पाए और उस सेना की सहायता से उन्होंने धीरे धीरे
पूरे देश को जीत। तो अब देखते हैं कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मुर्शीद कुली खां एक व्यक्ति था जो कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ मोहम्मद हादी। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इनके बारे में, राइट। एंड ही इज़ नोन फॉर हिज एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और वो एक कुशल राजस्व प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाई द मुगल एम्परर, यानी मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त वह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बिकॉज इसके बाद तो ये अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं और इनका डायनेस्टिक रूल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मुगल साम्राज्य की कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स इनके बारे में, मुर्शीद कुली खां के बारे में। देखिए, फाउंडर ज़रूर सबके याद रखिएगा, उनसे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आपको ज़रूर पढ़ लेना है। अब इनको थोड़ा सा इनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। इन 1700 औरंगजेब सेंट हिम टू बंगाल एज दीवान। तो 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें दीवान के रूप में बंगाल भेजा, और बंगाल जाकर इन्होंने बहुत सारे राजस्व संबंधी सुधार किए, जिससे बंगाल की प्रॉस्पेरिटी काफ़ी बढ़ गई, राइट, और इससे इनका काफ़ी नाम भी हुआ। फिर 1717 में जो लेटर मुगल एम्परर थे फर्रुख शेयर, उन्होंने इनको सूबादार बना दिया, या सूबादार यानी कि गवर्नर बना दिया। देखिए, मुगल टाइम पे मैंने कहा ना कि मुगल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन रहे, मुगल टाइम पे जो प्रांत होते थे, जो प्रोविंसेस होते थे, उनको सूबा कहा जाता था, राइट, और उन पर जो गवर्नर अपॉइंट होते थे उनको या तो सूबादार बोलते थे या कहीं कहीं पे नाजिम बोलते थे। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो 1717 में फर्रुख शेयर ने इन्हें बंगाल का नाजिम नियुक्त कर दिया, यानी गवर्नर नियुक्त कर दिया, और इस तरीके से ये दोनों पोस्ट इनके पास आ गई, यानी दीवान की पोस्ट भी इनके पास आ गई और सूबादार या नाजिम की पोस्ट भी इनके पास आ गई। अब ये क्या करेंगे दोनों, अब पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि दीवान और जो नाजिम थे इसमें क्या डिफरेंस था, इन पोस्ट के आने, इन दोनों पोस्ट के आने से इनको क्या फ़ायदा मिला, राइट। तो देखिए, नाजिम जो होता था वो एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री हेड होता था किसी भी प्रोविंस का, यानी कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वही होता था, और जो मिलिट्री हेड होता था यानी सेना का जो प्रमुख होता था वो भी नाजिम होता था, राइट। दीवान का काम क्या था, दीवान का काम था रिवेन्यू कलेक्ट करना किसी भी स्टेट में, राइट। तो पहले ये दोनों पोस्ट अलग अलग लोगों को दी जाती थी, डिवीज़न ऑफ पावर था मुगलों के टाइम पे, एक कह सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी थी कि दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहें, कोई एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। और ये मुगल्स इसलिए करते थे, दोनों पद अलग अलग लोगों को इसलिए दिए जाते थे ताकि एक बेटर कंट्रोल उस प्रोविंस पे वो कर पाए। लेकिन यहाँ आकर अब हम देखते हैं कि मुर्शीद कुली खां पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको दीवान और सूबादार या नाजिम की पोस्ट एक साथ मिलकर साइमल्टेनियसली उन्होंने दोनों पोस्ट को होल्ड किया, राइट। अब इससे ये फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि दोनों पोस्ट आपके पास में, रिवेन्यू सारा आपके हाथ में और आप एग्जीक्यूटिव हेड भी आप ही हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को और ज़्यादा अपनी पोजिशन को स्ट्रेंथन कर लिया, और जब इनको लगा कि काफ़ी शक्तिशाली हो गए तो इन्होंने अपने आपको फ्री घोषित कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और मुगल साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इस तरीके से वो बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब बन गए, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखें, कभी कभी जैसे मैंने कहा कि ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था या बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन था, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दैट इज मुर्शीद कुली खां, राइट। अब इनके बारे में थोड़ा और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। He shifted the capital from Dhaka to Murshidabad and made Bengal a prosperous state. तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इन्होंने बंगाल की जो कैपिटल थी उसको ढाका से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, मुर्शिदाबाद कर दिया, और बहुत सारे ऐसे सुधार किए जिससे बंगाल एक समृद्ध राज्य बन गया। हालांकि प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि पहले से भी थी, लेकिन इनके सुधारों से वो प्रॉस्पेरिटी और ज़्यादा बढ़ गई। हम आगे देखेंगे कि आखिर उन्होंने कौन कौन से ऐसे सुधार किए जिससे बंगाल एक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट बना। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट उन्होंने रिफॉर्म्स किए वो रिवेन्यू फील्ड में किए। क्या क्या किया हम देख सकते हैं। पहला जो उन्होंने किया, ही रिज्यूम ऑल द जागीर्स एंड कन्वर्टेड देम इनटू खालिसा लैंड। अब देखिए, जब ये बंगाल के नवाब बने, इन्होंने अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया, तो सबसे पहली प्रॉब्लम इनको आई कि रिवेन्यू कलेक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा था, या जितना होना चाहिए, इतना बड़ा स्टेट है, जितना रिवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए था वो उतना हो नहीं पा रहा। तो उसका रीज़न एक ये था कि इनके नवाब बनने से पहले बहुत सारी जो ज़मीनें थी वो जागीरों के रूप में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे उनको अलॉट कर दी गई थी, राइट। अब उनको अलॉट करने का मतलब है कि जो ज़मीन उनको दी गई है जागीर के रूप में उसका रिवेन्यू उनके पास पहुंच गया और स्टेट को रिवेन्यू नहीं मिल रहा था।
तो जब ये नवाब बने तो इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को देखा कि इससे रिवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, सारी जागीरों को पहले वापस ले लिया और उनको खालिसा लैंड में बदल दिया। खालिसा लैंड का मतलब होता है जो स्टेट ओन्ड लैंड होती है, यानी कि जो सरकारी भूमि कह सकते हैं, या ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में होती है। तो सारी जागीरों को वापस लिया और उसके बाद उनको स्टेट लैंड में कन्वर्ट कर दिया, खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा से इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, राइट। जिन लोगों से ज़मीनें वापस ली गई थी, जागीरें वापस ली गई थी, उनको दोबारा से अलॉट की, लेकिन कहाँ अलॉट की, उड़ीसा में अलॉट की। उड़ीसा उतना ज़्यादा, उड़ीसा के लिए उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो वहाँ पर उन्होंने अलॉट की। इससे उनको डबल फायदा हुआ, जो ज़मीनें, जो अच्छी ज़मीनें जागीरों के रूप में दी गई थी, वो अब स्टेट के पास है, उनसे रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, उड़ीसा जैसे प्रोविंस में दे दी गई तो वहाँ जागीरदार जाकर कुछ रेवेन्यू रिफॉर्म्स करेंगे, जिससे वहाँ पर भी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा और जिससे स्टेट को फायदा होगा, राइट। तो पहला सुधार तो इन्होंने ये किया। दूसरा सुधार उन्होंने उन्होंने क्या किया, ही रिप्लेस द मुगल जागीरदारी सिस्टम विद द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, दैट इज इजारा सिस्टम। तो जो जागीरदारी सिस्टम चला आ रहा था मुगलों के टाइम से, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया और उसकी जगह एक नया सिस्टम शुरू किया, इजारा सिस्टम, जिसके बारे में अभी हमने पहले पढ़ा था, यानी ठेके पर राजस्व वसूली का अधिकार दे देना, राइट। ये लिखा भी है, यह एक अनुबंध प्रणाली थी जिसके तहत इजारदारों यानी ठेकेदारों को उनसे सुरक्षा बॉन्ड लेकर भू राजस्व के संग्रह के लिए ठेके दे दिए जाते थे, राइट। तो इससे स्टेट की इनकम फिक्स हो जाती थी, स्टेट इस बात से बेफिक्र हो जाता था कि रेवेन्यू कम होगा या ज़्यादा होगा, अब उसकी इनकम फिक्स हो गई है, जिसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उतना रेवेन्यू कलेक्ट करके स्टेट को दे, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक दो बार पीसीएस वगैरह में पूछा गया है कि बंगाल में महत्वपूर्ण राजस्व सुधार किसने किए, या बंगाल में इजारदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो उसका आंसर होगा मुर्शीद कुली खान, राइट। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और बातें हुई इनके टाइम पे, जैसे लिखा है राइज ऑफ न्यू पावरफुल एलीट क्लासेस अंडर मुर्शीद कुली खान, यानी मुर्शीद कुली खान के अंतर्गत एक कुलीन वर्ग का या कुछ कुलीन वर्गों का उदय भी बंगाल में हुआ। कैसे हुआ वो देख सकते हैं। अंडर मुर्शीद कुली द हेरिडेटरी जमींदार्स वर लार्जली एक्सटिंग्विश्ड एंड अ न्यू ऑफिशियल कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज, राइट। यानी मुर्शीद कुली खान के तहत वंशानुगत जो जमींदार चले आ रहे थे वो अब समाप्त हो गए और एक नया पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। अब ये पूंजीपति वर्ग आप थोड़ा सा रिलेट करिए, इजारादारी सिस्टम है, राइट, उसमें कौन है, महाजन है, मनी लेंडर्स हैं, और उन मनी लेंडर्स को जो है इजारदारी प्रणाली के तहत राजस्व वसूली का ठेका दे दिया गया है, तो धीरे धीरे उनकी शक्ति मजबूत हो रही है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं और एक नए वर्ग के रूप में उभर रहे हैं, राइट। ये जो इजारदार थे, यानी कि जो महाजन कन्वर्ट हुए इजारदार में, यानी ठेकेदारों में, यही आगे चलकर जो है इनकी जो सेकेंड और उसके बाद की जनरेशन थी, वही आगे चलकर क्या कहलाएंगे, जमींदार कहलाएंगे जब अंग्रेज आ जाएंगे, राइट। तो पहले तो हम सिंपल एक टर्म यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार, जिनका काम क्या है, राजस्व की वसूली करना। फिर आगे चलते चलते ये लोग जमींदारों के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और जब अंग्रेज अपने साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना कर लेंगे तो इन्हीं जमींदारों के जो राइट्स थे उनको वो परमानेंट कर देंगे। कब, 1793 में एक व्यवस्था लेकर आए थे जिसको हम स्थाई बंदोबस्त कहते हैं, जिसमें जमींदारों को उनकी भूमि पर अधिकार दे दिया गया था, राइट। तो वो 1793 में हुआ, करेक्ट। तो आप, आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो अगला नवाब बंगाल का था, दैट वाज शुजाउद्दीन। इनका जो रीन है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमारे लिए नहीं है, तो हमने इसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं है। फिर इसके बाद सरफराज खां, उनके बारे में बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि सरफराज खां को डिपोज किया किसने, अली वर्दी खां ने, जो कि बिहार का डेप्यूटी गवर्नर था, और एक लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई थी, घेरिया की लड़ाई हुई थी अप्रैल 1740 में। उस लड़ाई में अली वर्दी खां ने सरफराज खां को हरा दिया और खुद को बंगाल का नवाब डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। तो अब जो अगला नवाब बंगाल का था, दैट वॉज अली वर्दी खां। 1740 से 56 इनका टाइम पीरियड है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नवाब बंगाल के रहे। इनके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि मुगलों के साथ जो फॉर्मेलिटी मेंटेन थी उसमें थोड़ा सा एक चेंज दिखाई देता है और कुछ चीज़ें जो पहले से चली आ रही थी उनको रोक दिया गया, जैसे कि एनुअल ट्रिब्यूट जो भेजा जाता था, यानी रेवेन्यू कलेक्शन का एक पार्ट जो मुगल ट्रेजरी भेजा जाता था उसको भेजना बंद कर दिया गया। दूसरी बात ये हुई कि जितने हायर ऑफिसेज होते थे उनके अपॉइंटमेंट जो है मुगल बादशाह के कंफर्मेशन से होते थे, अब ये दोनों चीज़ें बंद हो गई, राइट।
तो ये सेपरेशन एक तरीके से दिखाई देता है, एक कोशिश दिखाई देती है कि अब हम अपने तरीके से काम करेंगे। ये कब स्टार्ट हुआ? अलीवर्दी खां के समय, राइट। हालांकि ही केप्ट अलाइव द फिक्शन ऑफ मुगल सोवरेंटी, यानी कि मुगलों के साथ जो संबंध थे उनको बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म अभी भी नहीं किया जा रहा, लेकिन कुछ चीजों को अब रोक दिया गया है, राइट। अब इनके समय में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उनको देखते हैं। सबसे पहली चीज, मराठा अटैक्ड ऑन बंगाल। तो मराठाओं ने 1742 से 1751 तक कई बार बंगाल पर आक्रमण किए, जिनका सामना अलीवर्दी खां को करना पड़ा, राइट। अब मराठे जो हैं, मराठों के बारे में कहा जाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि वो मुगलों को रिप्लेस कर उनकी जगह लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया और इस विस्तार के क्रम में वो बंगाल तक पहुंचे, राइट। और अलीवर्दी खां पर कई बार आक्रमण किया। जब अलीवर्दी खां बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तब उसने 1751 में अल्टीमेटली एक पीस ट्रीटी कर ली, एक शांति संधि कर ली मराठों के साथ, और उस संधि में उन्होंने चौथ को देने का प्रॉमिस किया कि हम आपको चौथ देंगे, बस शर्त यह है कि आप जो है हमारी टेरिटरी पर आक्रमण नहीं करोगे, राइट। अब ये चौथ क्या होता था, हालांकि हम आगे चलेंगे मराठाज में बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसका 1/4 पार्ट मराठों को देना पड़ता था, और अगर आप ये पार्ट देंगे 1/4, तो आपको ये एश्योरेंस मिल जाएगा कि मराठे आगे से आपको परेशान नहीं करेंगे, और इवन अगर कोई और उस स्टेट पर आक्रमण करता है तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी उस स्टेट को बचाने की? मराठों की होगी। तो मराठों से ये आश्वासन मिल जाता था कि अगर आप कोई भी राज्य अगर वो चौथ देगा तो ना तो मराठे उस पर आक्रमण करेंगे, उसको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और अगर कोई और बाहरी राज्य उस पर आक्रमण करेगा तो भी मराठे उसकी हेल्प के लिए, उस राज्य को बचाने के लिए आगे आ जाएंगे। तो दैट वॉज चौथ, राइट। तो 1751 में अल्टीमेटली अलीवर्दी खां मराठों को चौथ जो है वो देने के लिए तैयार हुए, राइट। फिर एक और प्रॉब्लम हुई थी अफगान सरदार मुस्तफ़ा खान के द्वारा, जिसने कोशिश की थी अलीवर्दी खां को रिप्लेस करने की, उनको हटाने की, बट एनी हाउ उन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया और इस खतरे का सामना वो अच्छे से कर पाए, राइट। 1756 में अलीवर्दी खां की डेथ हो जाती है, और डेथ से पहले उनका कोई बेटा नहीं था, चूंकि वो अपने ग्रैंड सन यानी अपने पोते सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट करते हैं, राइट। तो ये दिस इज ऑल अबाउट अलीवर्दी खां। अब देखिए, जो ये शुरुआत के तीनों नवाब थे यानी मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां और अलीवर्दी खां, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने बंगाल को काफ़ी स्टेबिलिटी दी, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी दी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया पूरे बंगाल में, काफ़ी हद तक इन्होंने शांति व्यवस्था को बनाए रखा, और इसके साथ साथ जितनी फॉरेन कंपनीज इनके क्षेत्र में, इनके राज्य में अपना व्यापार कर रही थी, तो उन पर भी काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल बनाए रखा। कभी कभी वो कंपनी आपस में लड़ती भी थी तो उनको भी इन्होंने रोका और कहा कि आप हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को जो है डिस्टर्ब मत कीजिए, राइट। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने फ्रीली उनको ट्रेड नहीं करने दिया, उनको मनमानी नहीं करने दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अलीवर्दी खान ने चंद्रनगर और कलकत्ता में फ्रांसीसी और अंग्रेजी कारखानों की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। अब ये फोर्टिफिकेशन क्या होता था, जो कारखाने होते थे बेसिकली गोडाउन टाइप से होते थे, जितनी फॉरेन कंपनीज होती थी वो देश के बहुत सारे एरियाज से सामान कलेक्ट करती थी और यहाँ पर जमा करती थी, और फिर एक दूसरे से चूंकि राइवली थी इसलिए एक दूसरे से सुरक्षा के लिए ये लोग उसका फोर्टिफिकेशन, उसके चारों तरफ एक सेफ्टी वॉल बना दिया करते थे, राइट। हालांकि फिर बाद में इसका चूंकि मिसयूज भी होने लगा था, इसलिए अलीवर्दी खान ने ये फोर्टिफिकेशन की अनुमति इनको नहीं दी थी और उनको बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया था कि आप मेरे स्टेट में ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो काफी हद तक इन्होंने इस चीज को कंट्रोल रखा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बंगाल के जो नवाब थे, इन्होंने धार्मिक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया, और ना केवल मुस्लिमों बल्कि हिंदुओं को भी काफ़ी बड़े पदों पर इन्होंने नियुक्ति दी, और काफ़ी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी उन्हें दी गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिलीजियसली देवर वेरी लिबरल, राइट। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए। जो देखिए, इतनी सारी अच्छी बातों के बाद भी एक पॉइंट ऐसा है जहां पर हमें लगता है कि बंगाल के नवाबों ने इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद कंडीशन और भी अच्छी हो सकती थी। वो पॉइंट क्या था? एक तो ये कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझने की कभी इन्होंने कोशिश नहीं की। और जो जो रियल कैरेक्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का या जो और फॉरेन कंपनीज का, उसको भी समझने की कोशिश नहीं की। इस बात को वो कभी नहीं समझ पाए कि ये जो व्यापारिक कंपनियां केवल व्यापार ही नहीं कर रही हैं, बल्कि धीरे धीरे इन्होंने
इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में भी पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। अपने फायदे के लिए इन्होंने आपस में लोगों को लड़ाना शुरू कर दिया है। और चूंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी शेष जो विश्व था उसके बारे में इनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ये तो मुगलों के बारे में भी कहा जाता है कि शेष भारत के बारे में अच्छी जानकारी थी, लेकिन शेष विश्व में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उनका परिणाम क्या रहा, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी उसको नहीं होती थी। तो इसी तरीके से बंगाल के नवाबों के बारे में कहा जाता है कि बाहरी दुनिया से वो काफ़ी कटे हुए थे, और यही कारण है कि उन्होंने वो कभी इस बात को समझ ही नहीं पाए कि अफ्रीका में और दक्षिण पूर्वी एशिया में और लैटिन अमेरिका में इन व्यापारिक कंपनियों ने किस तरीके से वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे, वहाँ की पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में ले लिया है, राइट। अगर वो इस बात को समझते तो शायद अंग्रेज हों या कोई और फॉरेन पावर हो, वो कभी भी इतने शक्तिशाली नहीं बन पाते, और ख़ास तौर से अंग्रेज संभवतः इस देश पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें एक बहुत बड़ी कमी बंगाल के नवाबों में नज़र आती है, पर्सपेक्टिव वो नहीं थे, दूरदर्शी वो नहीं थे, ठीक है। फिर अगला जो नवाब है दैट इज़ सिराजुद्दौला 1756 से 57। तो जैसा कि हमने देखा था अली वर्दी खान ने अपनी मृत्यु से पहले सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन जब वो उत्तराधिकारी बना तो उसे काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। खुद उसके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने उसका जो उत्तराधिकार पर अधिकार था उसको चुनौती दी, और फिर इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो गए, कुछ ज़मींदार शामिल हो गए, और जो मनी लेंडर्स थे, जो जो महाजन थे, जो कॉमर्शियल क्लास थी, वो भी इसमें शामिल हो गई, और उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर दी सिराजुद्दौला के खिलाफ, और इस कॉन्स्पिरेसी में वो अंग्रेजों से मिल गए, और जिसके कारण 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, और प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है, और एक तरीके से यहाँ से शुरुआत हो जाती है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये इंडियन हिस्ट्री का, यहाँ से शुरुआत होती है अंग्रेजों की भारत में और ज़्यादा मजबूत होने की, राइट। तो प्लासी हुआ, फिर उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, और पूरे तरीके से बंगाल किसके कब्जे में चला जाता है, अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है, और वहाँ से फिर अंग्रेज पूरे देश को जीतने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं, राइट। इसको इसके बारे में प्लासी, बक्सर की लड़ाई, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, एक और टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा ब्रिटिश एक्सपेंशन यानी ब्रिटिश विस्तार, उसमें हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया, राइट। तो वहाँ इन चीज़ों को बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आगे हम लोग कुछ और जो स्टेट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम न केवल हिस्ट्री बल्कि कुछ और भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके वीडियो हम लोग पोस्ट करने जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।